लेकिन आज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आप मॉल में जा रहे हैं, आप थिएटर में बैठ रहे हैं, आजू बाजू में बैठ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वही सेम फीस दे रहे हैं, वही सेम सेम रिसोर्सेज चीज़ है। यूज कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है कि आज बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, कलेक्टर के बच्चे, जस्ट बिकॉज वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं अपने पुराने पूर्वजों के कारण, वो रिजर्वेशन का फायदा बल्कि उठा रहे वो हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हमारी शायद थर्ड जनरेशन ने फेस किया था, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने फेस किया था, इसीलिए हम आज प्राउड से इस चीज को ले रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत हद तक गलत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द डस्ट कोर्ट रूम में। और आज जिस मामले के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही विवादित मामला हमेशा से रहा है। हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के ऊपर। अभी अगर हम बात करें तो नवंबर 2023 में नीतीश जी की सरकार ने एक कानून लाया था जिसमें कि उन्होंने 50% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% करने की बात करी थी, जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी कैटेगरीज थे, और 65% करने की उन्होंने बात करी। और वो मामला जो है वो चला गया हाईकोर्ट में, लेकिन अभी डिसीजन जो है वो पटना हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि उन्होंने उसको खारिज कर दिया। और उसी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर प्रकाश डालना चाहेंगे। और मैं नमन सर से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो खारिज किया गया, 65% रिजर्वेशन को खारिज कर दिया कि नहीं ये नहीं दिया जाएगा, वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? तो सर, पहले तो ये समझना ज़रूरी होगा कि ऐसा हुआ ही क्यों। मतलब जो 50% की लिमिट थी उसको बढ़ा के 65 क्यों65% किया क्यों गया? किया। तो एकदम मैं बेसिक से रूट पे समझाना चाहूँगा। जी तो जो 50% की लिमिट थी, आज से कई साल पहले 1993 में इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बेस लिमिट होगी, तो हमारी कुछ प्रोमिनेंट कैटेगरीज हैं जैसे स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इनको मिलाकर या और किसी को भी मिलाकर, क्योंकि ये मैटर 1951 से शुरू हो गया था कि कुछ एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लास के कई पैमाने बना दिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप चाहे कितने भी बैकवर्ड क्लास बनाओ, जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगी। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कास्ट सर्वे करवाया गया इंडिया में बहुत समय बाद, और ये बिहार पे हुआ 2023 में, और उसमें पाया गया कि जो ओबीसी और ईबीसी है, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो इन दोनों की जो संख्या है वो मिलाकर आती है बिहार के टोटल पॉपुलेशन की 63%, जो कि एक बहुत बड़ा बहुत नंबर बड़ा है। है। और उसी के मुकाबले अगर हम बाकी देखें तो एसटी की परसेंटेज मात्र 1.67% रही है, वेरा जो अपर कास्ट है 15.5% पे है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बिहार की गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया पार्लियामेंट में, उनके स्टेट पार्लियामेंट में, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा थे। हाँ, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा थे। अब ये मैटर जाता है कोर्ट में, और सिर्फ ये नहीं था, ये 65% यहाँ हो गया, 10% ईडब्ल्यूएस का तो सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए अलाउ किया है। मतलब उस कास्ट में ही जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे होंगे। नहीं, ईडब्ल्यूएस अलग कैटेगरी है। ठीक है। तो कुल मिला के सर अब परसेंटेज हो गए 75, तो ओके 65 इन चार कम्युनिटीज के लिए, प्लस 10% ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस। तो अब जो शुद्ध जनरल कैटेगरी बचती है उनके लिए मात्र 25% रिजर्वेशन है। और बिहार की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा है कि एक अपर कास्ट का या फिर एक जनरल कैटेगरी का 15% होना भी एक बहुत बड़ा नंबर सिग्निफाई करता है। करता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम, अभी पटना के हाईकोर्ट में मैटर गया था, कई पेटिशंस फाइल हुई, और हाल ही में 20 जून को पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया, उन्होंने खारिज कर दिया वही जजमेंट को साइट करते हुए जो मैंने आपको बताया, इंदिरा सानी का जजमेंट था 1993 का, क्योंकि 50% बेस लिमिट है, उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस को मिलाकर वो 60% हो रही है। तो ये जो 15% का एडिशनल आया, ये कोर्ट ने मना कर दिया। मना कर दिया। तो मतलब ठीक है, ये हम मामला जो है वो बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर, और अभी भी विवाद चलता ही रहता है, लोगों के बीच झगड़े भी हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ पर सवाल बस एक ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम पर अगर हम बात करते हैं भारत की या इंडियन इकोनॉमी के तरीके से अगर हम देखें, तो लगभग हर एक लोग सक्षम हो चुके हैं करेक्ट। अपने आप जीवन को अच्छा जीने के लिए। तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो किस पैरामीटर्स पर होना चाहिए? मतलब लोगों को, ठीक है आपको छूट मिल रही है, आपको जो है वो एक दर्जा मिल रहा है, स्पेशल कुछ आपको दिया जा रहा है, बट उसका पैरामीटर्स क्या होना चाहिए? तो ये मामला, जो मामला है, ये मामला 1950 में 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के खड़ा होता है, और चूंकि उस समय पार्टीशन हुआ था, पूरा देश अस्त व्यस्त था, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कास्ट को लेकर कई विवाद थे, और
और ये सत्य है, ये फैक्ट है कि अपर कास्ट ने लोअर कास्ट को डोमिनेट किया है कुछ छुआछूत वाली चीजें भी थी बहुत कि डोमिनेंस बहुत था पूरा अपर कास्ट का, करेक्ट। है और ना। इस हद तक था कि जो एक लोअर कास्ट है वो कोई पब्लिक रोड एक्सेस नहीं कर सकता, वो पब्लिक वेल एक्सेस नहीं कर सकता, गार्डन एक्सेस नहीं कर सकता, और ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कास्ट जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उस जगह पे लोअर कास्ट नहीं जा हाँ सकता। एग्जैक्टली मतलब ऐसा हमने मतलब ऐसा कहानी सुना है पुराने ज़माने की, ऐसे कहानी सुने हैं कि अगर कोई लोअर कास्ट का कोई आदमी है और अपर कास्ट के घर में गया है अगर वहाँ पर, तो अगर उसने मान लो एक गिलास रखी हुई है पानी की, अगर उसने वो छू दिया तो वो पानी वो नहीं पियेंगे, या फिर वो उनके सामने वो बिल्कुल बराबरी में बैठ नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे करेक्ट, मामले हमेशा से रहे बहुत हैं सारे। इवन अगर वो घर पर घुस गया तो जो है गंगा जल और गौमूत्र से उसको शुद्ध से किया जाता शुद्ध था। किया जाता था। एग्जैक्टली तो हमने बहुत सारी चीजें, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, फैक्ट रहा फैक्ट है रहा कि ये है। हुआ है। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी बहुत विजनरी थे और उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया एक कारण से कि अब तक जो चीजें चलती आई वो ठीक है, लेकिन अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है जो कंट्री का सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है, लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं इसे। अब जब हमने फंडामेंटल राइट्स दिए, मौलिक अधिकार दिया लोगों को आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में, जिसमें साफ कहा गया कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा, कोई भी रिजर्वेशन आपके जाति के अनुसार, आपके कलर के अनुसार, क्रीड के अनुसार, रिलीजन के अनुसार और आपके जन्म स्थान के अनुसार पे अनुसार नहीं होगा। तो अब बी आर अम्बेडकर जी का मानना था कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी ही आया है तो इतनी जल्दी तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कम से कम हमें 10 साल लगेंगे, और ये विजन रखते उन्होंने 10 साल के लिए रिजर्वेशन के सिस्टम को लाया कि एक बार लोग बराबर हो जाएं तब हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। लेकिन उस 10 साल के रूल को आज तक लागू किया लागू जाता है, किया जाता और है। रिजर्वेशन ऐसा नहीं कि परमानेंट है, इसे हर 10 साल का अमेंडमेंट लाया जाता है। 1951 में पहली बार आया, 1951 से 61, फिर 71, और हाल ही में लास्ट जो हमारा 21 में पास हुआ है। तो ये जो सिस्टम है मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो पहले हमने देखा, अभी हमने जो चर्चा की कि लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था या एक्सेस नहीं था, लेकिन आज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट आप मॉल में जा रहे हैं, आप थिएटर में बैठ रहे हैं, आजू बाजू में बैठ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, वही सेम फीस दे रहे हैं, वही सेम सेम रिसोर्सेज चीज़ यूज़ है। कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि हमारी शायद थर्ड जनरेशन ने फेस किया था, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर फादर्स ने ने फेस फेस किया किया था था, इसीलिए हम आज प्राउड से इस चीज़ को ले रहे इसमें। हैं, जो मुझे हाँ लगता है कि बहुत हद तक गलत है। और इसीलिए एजुकेशन के मामले में हम बड़ी बड़ी कंट्रियों से पीछे हैं, पीछे हैं जैसे जी। US हो गई, जर्मनी हो गई, UK हो गई। ये रिजर्वेशन हमें बहुत नीचे लेकर जा रहा है, और यही कारण है कि लोग आज बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं। मतलब जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम एग्ज़ाम की बात कर लें, चूंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो एग्जामिनेशन के अंदर में भी अगर हम देखते हैं, तो मतलब एक मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर में जैसे कि अगर 200 नंबर का पेपर है ना, तो जो हमारे जनरल कास्ट के अगर हो सकते हैं कट ऑफ जाती है, तो वो कट ऑफ मान लो 200 के अंदर में 140 नंबर 150 नंबर जनरल के लिए कट ऑफ डिसाइड किया गया। बट जैसे जैसे हम आते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो पैरामीटर्स बने हुए हैं, जो एक ब्रैकेट्स बने हुए हैं कास्ट को लेकर, तो वो नंबर्स कम होते जाते हैं। अगर हम SC ST पर पहुंचते हैं तो वो नंबर कहीं ना कहीं 140 का सीधा हाफ हो जाता है, यानी कि करेक्ट 60 मार्क्स पर वो सिलेक्शन होते करेक्ट। हैं। तो मैं आपको इसमें अपना एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं खुद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ और जी 2 बार मैंने क्लियर किया, एक अंडर ग्रेजुएट एक पोस्ट ग्रेजुएट। तो मुझे याद है जब मैं 2015 में क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, तब पेपर 200 मार्क्स का होता था, और जो रैंक थी कॉलेज के ओपनिंग के लिए, वो रैंक शुरुआत हो रही थी, मैं एक HNLU रायपुर से पास आउट हूँ, तो वहाँ पे रैंक शुरुआत हुई AIR 700 से, रैंक का शुरुआत था। और जब रैंक क्लोज हुई ST प्लस स्टेट डोमिसाइल मिलाकर, वो रैंक थी 47,200। तो आप सोच कर देखिए कि AIR 700 और AIR 47,200 एक ही बेंच एक पर ही बैठ बेंच पर के बैठने पढ़ रहे वाले हैं। थे। एग्जैक्टली तो तो ये आज के समय पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कास्ट को रिजर्वेशन नहीं देना है, हमें देना है। और ये एक बहुत ही हिपोक्रेसी की बात है कि आज आप उठकर गांव में चले जाइए जहां पे वास्तविक में लोग बैकवर्ड हैं, क्योंकि अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स बताऊं तो आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में लिखा है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बैकवर्ड। फॉर एग्जैक्टली स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब। हाँ तो ये बात सच है कि वो जो स्केड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब थे, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 12 स्केड्यूल्स हैं, इन स्केड्यूल्स में इन कास्ट और ट्राइब्स का जो है वर्णन ध्यान किया जाता है, मेंशन किया जाता है, इसीलिए इनको स्केड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स ट्राइब बुलाया बोला जाता है, गया है। क्योंकि इनका मेंशन
स्केड्यूल्ड में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल किया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक्चुअली में आज ट्राइबल एरिया में जाएं, आप मणिपुर चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्टर्न में कोई भी चले जाइए, आप बिहार के गाँव में चले जाइए और वहाँ पर जाके पूछे कि आपको NLU के बारे में पता है, आपको एम्स के बारे में पता है, आपको IIT के बारे में पता है, नहीं पता है, उसको पता है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है कि आज बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, कलेक्टर के बच्चे, जस्ट बिकॉज वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं अपने पुराने पूर्वजों के कारण, वो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, जबकि वो सक्षम बहुत चीजों के लिए है। हम इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो, क्योंकि मैंने वर्ड मेंशन किया सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, आपकी सोशल बैकवर्डनेस तो खत्म हो गई, आप आज पब जा रहे हैं, आज आप मॉल जा रहे हैं, आज आप शॉपिंग कर रहे हैं, हाँ महंगी कार में चल रहे हैं और आपका आधार कार्ड कोई नहीं पूछ रहा कि ऐसे ही आप मॉल आए, बोले दिखाओ आपका सरनेम क्या है। तो आज जब हमने ये सारी सोशल बैकवर्डनेस खत्म कर दी तो फिर वही कैटेगरी जिसको सोशल बैकवर्डनेस के कारण दिया जा रहा था उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। तो मतलब अगर हम एक वैसे ही बात करें कि पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, अभी इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। जब हुआ, जब ये चीज़ें आया, लाया गया है ना, उस समय बहुत माहौल अलग था। करेक्ट। लेकिन सर एक चीज़ अभी भी नहीं बदली है, वैसे मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स जो रखे गए बड़े सोच समझ के रखे गए, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड। आज भी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आज जो बिहार के गाँव में, यूपी के गाँव में, वो तो सोशल बैकवर्ड ही है, आज भी वो सोशल बैकवर्ड है। तो आज पैरामीटर्स आज भी नहीं बदल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी हल्का कंसिडर करना चाहिए। और अगर वो ना भी कंसिडर करें तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आज अगर एक सिटी में रहने वाला बिजनेसमैन, अगर हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं भी रखते हैं तो ये साफ साफ प्रूफ होता है कि वो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड तो नहीं है। क्योंकि आप मुंबई के, साउथ मुंबई के अच्छे खासे घर में रह रहे हैं, आप दिल्ली के अच्छे खासे घर में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, फिर आप कैसे सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड होते हैं? वही बच्चा DPS स्कूल में या कोई बड़े स्कूल में पढ़कर आ रहा है और फिर वो यहाँ पे आके रिजर्वेशन ले रहा है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये 5 साल बाद बच्चे की माइंडसेट फिर रहती है कि मैं आज कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम लिखूंगा, मेरे पास रिजर्वेशन है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, मैं अगर सरकारी जॉब लूंगा तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। तो कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरिया चेंज करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि इकोनॉमिक बेसिस पर तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है और फिर भी लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे जो उनको नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट। तो ये बदलाव है और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप सभी लोग अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दीजिएगा इसके ऊपर कि आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन का जो एक क्राइटेरिया रखा गया है, मापदंड रखा गया कि इसके ऊपर देना चाहिए, तो वो ज़रूर कमेंट में आप लोग मेंशन करिएगा। और इस तरह की जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप सभी को मिलता रहेगा Clatter247 पर और हमारे दादाज कोर्ट रूम इस शो के अंदर। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, इन्फॉर्मेशन होंगे वो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद।